जाधव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पौष्टिकता से संपूर्ण ऐसे स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मूंग दाल हलवा। तो चलिए फिर मूंग दाल हलवे के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हम देख लेते हैं। मूंग दाल हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी मूंग दाल, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, डेढ़ कटोरी शक्कर, एक कटोरी घी और दूध। ये अनपॉलिश मूंग दाल है। ये मूंग दाल को हमने अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इसको भूनेंगे। वैसे तो मूंग की दाल का हलवा बनाना मतलब बहुत टाइम, मूंग की दाल हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि उसको भिगो 3-4 घंटे भिगो के फिर पीसना पड़ता है और सेकने में उसको 1 से 1.5 घंटा लगता है। पर हम ये क्विक मूंग की दाल का हलवा बना रहे जो हमारा 20 मिनट में हलवा बनके रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा ब्राउन कलर होते तक सेकना है। मूंग दाल का कलर चेंज हो गया है, अच्छी ब्राउनिश हो गई है मूंग दाल। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी मूंग दाल ठंडी हो गई है, अब हम इसको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। आप देख सकते हो इसको थोड़ा मैंने दरदरा पीस लिया है। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे घी। घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे मूंग दाल। मूंग दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स और फाइबर्स होते हैं, इसलिए मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मूंग की दाल बहुत अच्छे से भून गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। जब दूध थोड़ा मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी शक्कर। आप शक्कर अपनी मात्रा में डाल सकते हो, आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हो शक्कर। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। केसर हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो मूंग की दाल नीचे चिपक जाएगी। देख सकते हो हमारा हलवा कितना अच्छा घी छोड़ रहा है। अब हलवा बनके, जब हलवा घी छोड़ने लगता है तो समझ जाइए कि हलवा रेडी हो गया है। अब हम इस हलवे को सर्व करेंगे। मैंने इसको एक कटोरी में निकाल लिया है। हमारा हलवा बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हो इस हलवे को देख के मुझे तो बहुत मुंह में पानी आ रहा है। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप जरूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।